तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेब स्टोरीज़ के लिए आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट कैसे सेटअप कर सकते हैं। मैंने पहले भी वेब स्टोरीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाया जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत सारे कमेंट आए कि और डिटेल में वीडियो चाहिए। तो मैं आज आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बताऊँगा, डोमेन से वेब होस्टिंग लेके परचेस करने से लेके थीम इंस्टॉलेशन, वेब स्टोरीज़ का सेटअप कैसे करना है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग का सेटअप कैसे करना है। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि वेब स्टोरीज से कैसे आप पूरा सेटअप कर सकते हैं और कैसे आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो दोस्तों मैंने बनाई थी जिसमें मैंने ये दिखाया था कि मैं $100 पर डे की अर्निंग वेब स्टोरीज से कैसे कर रहा हूँ, जिस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो मेक श्योर आप वो वीडियो भी ज़रूरी देखें। लास्ट वीडियो में हम जो प्लगइन यूज़ कर रहे थे वेब स्टोरीज़ बनाने के लिए उसका नाम था मेक स्टोरीज़, लेकिन अभी जो हम लोग प्लगइन यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं गूगल की वेब स्टोरीज़, क्योंकि अभी पर्सनली मैं भी वो यूज़ कर रहा हूँ और वो ज़्यादा बेस्ट लग रही है अभी हमें, तो गूगल वेब स्टोरीज़ पर भी हम लोग काम करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं कर लेता हूँ एक मिनट, एक्चुअली मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ही ऑन करना भूल गया हूँ अपने लैपटॉप का, तो उसको मैं कर लेता हूँ ऑन। देन यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ये बिल्कुल मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, डोमेन वेब होस्टिंग से लेके सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलेंगी, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, थीम इंस्टॉल करना, तो आपको ये वीडियो कम्प्लीटली फॉलो करना है वेबसाइट आपको ही सेटअप करने के लिए। ओके, सो गाइस अभी हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया इनेबल और अभी आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन देख पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, फर्स्ट हम लोग देखेंगे बाय डोमेन एंड वेब होस्टिंग, सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, थर्ड स्टेप हम लोग देखेंगे थीम इंस्टॉलेशन, फोर्थ हम लोग देखेंगे कि सर्च कंसोल कैसे सेटअप करना है, फिफ्थ देखेंगे गूगल एनालिटिक्स कैसे सेटअप करना है, सिक्स्थ स्टेप हम लोग देखेंगे कि वेब स्टोरीज की प्लगइन को कैसे सेटअप करना है, सेवन्थ स्टेप में हम लोग देखेंगे कि रैंक मैथ प्लगइन को कैसे सेटअप करना है, उसके बाद देखेंगे साइट मैप सबमिशन कैसे करना है, देन हम देखेंगे कि इंस्टेंट इंडेक्सिंग को कैसे सेटअप करना है और लास्ट वेब स्टोरीज कैसे बनाना है और कैसे इसमें एडसेंस से अर्निंग करनी है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे लें, क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मेरी भी वीडियोस हैं और काफ़ी लोगों की वीडियोस इस पर हैं जो सभी लगभग सभी का सिमिलर कॉन्टेंट है। तो गूगल एडसेंस के लिए आप कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, तो उससे आप देख के और अप्रूवल ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ डोमेन एंड वेब होस्टिंग का, तो दोस्तों मैं जो रिकमेंड करता हूँ cubitohost.com पे जाके आप डोमेन एंड वेब होस्टिंग ले सकते हैं। यहाँ से लेने का एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे यूएसए वेब होस्टिंग आपको मिल रही है, तो वेब स्टोरीज़ को अगर आप यूएस टारगेट करके लेना चाहते हैं, मतलब यूएस में टारगेट कर रहे हैं वेब स्टोरीज़ को, तो यहाँ से आप वेब होस्टिंग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे यूएस का ही सर्वर हमें मिल रहा है। तो देखो cubitohost.com पे मैं आया और यहाँ पे आऊँगा मैं दोस्तों नीचे ऑर्डर्स में, और यहाँ पे देखिए डिफरेंट होस्टिंग प्लान है, नीचे करेंगे आपको तो यहाँ पे एक आपको मिलेगा यूएसए क्लाउड होस्टिंग और यहाँ पे एक और प्लान होगा यूएसए क्लाउड होस्टिंग प्रो, तो जो भी आपके बजट में हो वो आप ले सकते हो। यहाँ पे देखो 600 INR मंथली दिखा रहा है, लेकिन इतना महंगा यह है नहीं, वन ईयर का जब आप लोगे तो प्राइस बहुत ही कट आउट हो जाएगा, प्लस एक डोमेन हम लोग को फ्री मिलता है। तो आपको देखो अगर एक वेबसाइट चलानी है तो आप ये यूएसए क्लाउड होस्टिंग ले सकते हो, और अगर आपको जैसे मल्टीपल वेबसाइट चलानी है 10 वेबसाइट तो आप ये यूएसए क्लाउड होस्टिंग प्रो ले सकते हो। एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि यूएस में टारगेट करने के लिए हमारे पास यूएस का ही सर्वर होना चाहिए, अगर आपके पास पहले से कोई वेब होस्टिंग है, इंडियन वेब होस्टिंग है या किसी और कंट्री की है, तो वो भी आप चला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर यूएस को टारगेट कर रहे हो वेब स्टोरीज़ के लिए और यूएस का ही होस्टिंग सर्वर है आपका, तो ये और थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज़ करेगा और डेफिनेटली रैंकिंग में ये थोड़ा सा ज़रूर हेल्प हमें करते हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ से जो प्लान है ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 10 वेबसाइट चलानी है, या फिर चलिए मैं मान के चलता हूँ कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो एक सिंगल वेबसाइट से करेंगे, तो मैं इस प्लान को देखता हूँ। ऑर्डर नाउ पे हम लोग को सिंपली दोस्तों क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी एक डोमेन लेना हो, फॉर एग्जांपल ये मैं blogging123hindi और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ .com, चेक पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये डोमेन अवेलेबल है, तो इसको हम लोग करेंगे कंटिन्यू।
देन यहाँ पे दोस्तों जो ये बिलिंग साइकिल है इसको हम लोग ईयरली कर लेंगे, तो ईयरली में ये पड़ने वाला है 3499 का, जिसमें एक डॉट कॉम डोमेन फ्री मिल रहा है, तो 3499 के साथ हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे एंड देन चेकआउट करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो डालनी है। डिटेल्स डालने के बाद एक मिनट मैं इसको कर लेता हूँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दोस्तों अपनी जीमेल और पासवर्ड। ना जीमेल और पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट के लिए देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो पेपल और एक बैंक ट्रांसपेरेंट यूपीआई। तो अगर आप इंडिया से, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बैंक ट्रांसपेरेंट यूपीआई में जाएँ। और इसके बाद दोस्तों आपको कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करना है। कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक इनवॉइस जनरेट होगी जहाँ पे अनपेड दिखाएगा, और यहाँ पे देखिए जो पे अस वाया यूपीआई, तो आप इस नंबर पे यूपीआई करके पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम नहीं दिया गया है, तो आप या तो यहाँ पे देखिए इस पे यूपीआई कर सकते हैं, या फिर ये बैंक ट्रांसफ़र जो डिटेल है यहाँ पे आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप यूपीआई करिए। जैसे ही आप यूपीआई से पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो आपके ईमेल पे डिटेल्स आ जाएंगी आपके सीपैनल लॉगिन की, और क्यूबिटो हॉस्ट अकाउंट में भी आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जैसे मैं आपको ये क्यूबिटो हॉस्ट का अकाउंट दिखा देता हूँ अपना, ये मेरा क्यूबिटो हॉस्ट अकाउंट है। तो जो भी आपने वेब होस्टिंग परचेस की है वो डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी डोमेन्स आप परचेस कर रहे हो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ से आप डायरेक्ट सीपैनल एंड ऑल एक्सेस कर पाओगे। ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ डोमेन्स में, अगेन डोमेन्स में क्लिक करता हूँ, तो जो डोमेन्स हैं वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। जो आज का जो डोमेन है ये इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड्स, इसी डोमेन पे मैं आपको सेटअप करके सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही डोमेन और हॉस्टिंग आप ऑर्डर करते हो तो आपको सी पैनल की लॉगिन डिटेल्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे दोस्तों मैं आ चुका हूँ डायरेक्ट अपने सी पैनल में। तो सी पैनल आप जब देखेंगे तो इस तरीके का सी पैनल दिखता है। और अभी अगर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूँ, एक मिनट, तो देखिए बिल्कुल ये ब्लैंक दिखेगा वेबसाइट, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट। इस तरीके का जब आप नया ऑर्डर करते हो तो आपको ऐसा ही मिलेगा, आपके डोमेन में कुछ भी कंटेंट नहीं रहेगा। SSL भी फ्री है इस होस्टिंग में, तो SSL आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है। जिसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका ये सी पैनल रेडी है। और अगर आपको पता करना हो ना कि आपका जो सर्वर है वो USA का है या किस कंट्री का है, तो हर होस्टिंग के साथ एक IP रहता है, तो ये देखिए इसके IP को मैं करता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे करता हूँ होस्ट चेकर, सर्च करता हूँ, और ये वेबसाइट है दोस्तों check-host.net, इस पर मैं ये IP डालता हूँ और इन्फो पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखा रहा है, मतलब ये US का सर्वर है। तो वेब स्टोरीज आप US को टारगेट करके बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए सी पैनल पे मैं दोस्तों वापस आ गया, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ और वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलेगा, वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे दोस्तों इंस्टॉल नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। देन इलेक्ट्रॉनिक्स कार हमारा ये डोमेन आ गया, HTTPS ही रहने देना है हमें। डायरेक्टरी को आप हटा देंगे दोस्तों, हमें कोई डायरेक्टरी नहीं, मेन डोमेन पे काम करना है। और उसके बाद एडमिन में आप अपना नाम लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, और पासवर्ड आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और अभी देखिए स्ट्रॉन्ग 65 दिखा रहे हैं, लेकिन आप इसमें कुछ और ऐड कर लीजिए ताकि ये 100 हो जाए। इस पासवर्ड को आपको कॉपी करके रख लेना है अपने पास। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आता हूँ एडमिन ईमेल में, और मैं एडमिन ईमेल में अपना ईमेल डालता हूँ, और लिमिट लॉगिन इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि कोई जब हमारी वेबसाइट पे रैंडमली पासवर्ड डाल के हैक करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ ना हो पाए, तो मैं इसको टिक करता हूँ। उसके बाद नीचे इंस्टॉल का बटन है, इस पर क्लिक करना है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, देखिए बहुत ही स्पीड से वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। नीचे एडमिनिस्ट्रेटर URL में मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो गया। जो फर्स्ट चीज़ दोस्तों हम लोग को करनी है वो आना है अपीयरेंस में और थीम्स में। जैसे कि मैंने स्टेप्स में आपको बताया था कि पहले हम लोग डोमेन और होस्टिंग बाय करेंगे, वो मैंने आपको दिखा दिया। सेकंड स्टेप वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर दिया, बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, थीम इंस्टॉलेशन। थीम इंस्टॉलेशन में दोस्तों काफ़ी सारे लोग आपको प्रीमियम थीम रिकमेंड करेंगे कि भाई प्रीमियम थीम लो तभी एडसेंस अप्रूव होगा, प्रीमियम थीम लो तभी गूगल वेब स्टोरीज रैंक करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपल एक फ्री, क्योंकि जितना लाइट वेट आप अपनी वेबसाइट को रखते हो उतना जल्दी एडसेंस अप्रूवल होगा, उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट लोड होती है, स्पीड अच्छी आती है, और रैंकिंग में ये हेल्प करता है। ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और एक फ्री थीम है यहाँ पे आपको लिखना है जनरेट। तो देखिए जनरेट प्रेस हम जनरेट प्रेस लिख लेते हैं,
और फर्स्ट नंबर पे ये हम लोग को जनरेट प्रेस का थीम मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, बस ये देखिए तुरंत इंस्टॉल हो जाता है क्योंकि बहुत लाइट वेट थीम है और कुछ भी कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हो ना कि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखे, डिज़ाइन अच्छी दिखे, तो दोस्तों ये चीज़ें आप डिज़ाइन के लिए कर सकते हो, बट स्पीड के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। जितनी आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा कलरफुल बनाते हो, ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करते हो, वेबसाइट आपकी अल्टीमेटली स्लो होती है, या फिर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला सर्वर लेना पड़ेगा। तो इस थीम को देखिए हमने इंस्टॉल करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके की दिख रही है, और भाई इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत जल्दी लोड होगी आपकी वेबसाइट, जो भी आपके ब्लॉग पोस्ट हैं वो एक तरफ दिखेंगे, इधर सर्च बटन है, रीसेंट पोस्ट हैं और रीसेंट कमेंट्स हैं। दैट्स इट दोस्तों, आपको और कुछ नहीं करना। ऊपर आप पेजेस ऐड कर सकते हो, जो भी आपका मेनू सेक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो आपको अगर कुछ पेजेस बनाने हो, अगर जैसे कंटेंट, ये जो अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, ये सब बनाते हैं, मैं आपको देखो ऐड न्यू पेज में जाने हैं। और यहाँ पे जो भी एक पेज बनाना हो आपको, फॉर एग्जांपल अबाउट अस, और यहाँ पे आप दो लाइन लिख सकते हो अपनी वेबसाइट के बारे में। अभी मैं इसको टाइम दोस्तों नहीं तो ज़्यादा कंज्यूम होगा। और देखिए व्यू पेज को करेंगे तो ये आपका अबाउट अस का पेज रेडी हो चुका है। अब बात आती है कि इस पेज को हम लोग यहाँ पे ऐड कैसे करें। देखिए ऑटोमेटिक ऐड हो गया आपके मेनू में, और अगर आपको ऐड फिर भी नहीं होता है लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएंगे जो भी पेज आप क्रिएट करेंगे। कस्टमाइज़ में जाके आप ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे माय ब्लॉग दिखा रहा है, इसको कस्टमाइज़ करके आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हो। ओके, सो दोस्तों ये छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो आप इजीली देखो कर सकते हो। यहाँ पे मेनू का ऑप्शन है जहाँ पे आप क्रिएट मेनू करके इन पेजेस को एडजस्ट कर सकते हो। अगर मुझे ये ब्लॉग का नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड्स गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स। ओके, एंड मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। देन हमारी ये वेबसाइट का एक सिंपल स्ट्रक्चर रेडी है। डिज़ाइन में हम लोग को ज़्यादा दोस्तों मैं बताया कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको अर्निंग करनी है जो कि सिंपल टेम्पलेट से ज़्यादा होती है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता दूँ, अगर आपको वेबसाइट बाय सेल करनी है, अगर आप डायरेक्ट एक गूगल एडसेंस अप्रूव वेबसाइट परचेस करना चाहते हैं तो आप flippingtraders.com पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट हैं, मनी मेकिंग वेबसाइट्स हैं, एफिलिएट वाली वेबसाइट्स हैं, तो आप इस वेबसाइट पे सेल भी कर सकते हैं दोस्तों। ये 100% ट्रस्टेड हमारा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी 100% सिक्योरिटी से डील होती हैं। तो इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको वेबसाइट सेल करनी हो विदाउट लिस्ट किए, तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप का आइकन है, इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट फ्लिपिंग ट्रेडर्स टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और डायरेक्ट वेबसाइट को सेल कर सकते हैं विदाउट लिस्ट किए। और इस प्लेटफॉर्म पे अभी डोमेन, यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सब की भी बाइंग सेलिंग चालू होने वाली है। तो अगर आपके पास इस तरीके के कुछ अकाउंट्स हैं, एसेट्स हैं, ऑनलाइन एसेट्स हैं, तो उनको भी आप बाय सेल यहाँ पे कर पाएंगे। तो मेक श्योर दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को विजिट ज़रूर करें और इस प्लेटफॉर्म को देखें समझें। काफ़ी सारी वेबसाइट्स यहाँ पे सोल्ड होती हैं। अगर मैं सोल्ड लिस्टिंग में जाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे, देखिए सोल्ड आउट, सारी वेबसाइट सोल्ड आउट यहाँ पे होती है। मैंने काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट फ्लिपिंग ट्रेडर्स पे अपनी सेल की है और मैं अच्छा प्रॉफिट इसी मेजर जो मेरा प्रॉफिट है इसी प्लेटफॉर्म से आता है। तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वेब स्टोरीज़ के लिए भी वेबसाइट चाहिए ना दोस्तों, आपके पास इतना टाइम नहीं गूगल एडसेंस अप्रूव कराऊं मैं, सारी चीज़ें सेटअप करूं, तो यहां से आप डायरेक्ट एक वेबसाइट बाय कर सकते हैं और उसमें वेब स्टोरीज़ डालना स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी प्राइस में। यहाँ पर आपको देखिए 10-12,000 में एडसेंस अप्रूव वेबसाइट स्टार्ट हो जाती हैं, और अप टू दो आपको फिर ज़्यादा प्राइस तक अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग रेट्स हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं सिर्फ वेब स्टोरीज़ के लिए, जो इस आज की वीडियो में मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना बता रहा हूँ वही वेबसाइट अगर आप डायरेक्ट बनवाना चाहते हैं, आपको ये सारी चीज़ें सेटिंग वेटिंग नहीं करनी, आपको नहीं पता है सब कैसे करना है, तो ये thedigitaldirection.com, दोनों ही फ्लिपिंग ट्रेडर्स का और इस डिजिटल डायरेक्शन दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये प्लान 6,000 में अवेलेबल है, जिसमें आपको 1 ईयर का डोमेन, वेब होस्टिंग, डिज़ाइन मतलब जो मैंने थीम अभी आपको दिखाया वैसा, वेब स्टोरीज का प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन, रैंक मैप सेटअप, इंस्टेंट इंडेक्सिंग, साइट मैप, सारी चीज़ें आपको करके 6,000 में डिलीवर करते हैं। आपको वेबसाइट पे कंटेंट लिखना है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है और वेब स्टोरीज डालना स्टार्ट करना है, इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो ये प्लान भी आप ऑर्डर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको वेबसाइट अगर डायरेक्ट एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो फ्लिपिंग ट्रेडर से ले लो, अगर आपको नई वेबसाइट सेटअप करानी है तो आप यहाँ पे आके सेटअप करा सकते हो अपनी वेबसाइट 6,000 में।
ओके चलिए वापस आते हैं दोस्तों अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड पे। तो अभी हमारे तीन स्टेप जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं थीम इंस्टॉलेशन तक। फोर्थ स्टेप जो है हमारा सर्च कंसोल सेटअप। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे आएंगे, प्लगइन्स में आएंगे, एड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे साइटकिट। गूगल का ये दोस्तों एक प्लगइन है साइटकिट। हाँ इसमें मैं स्पेस दे देता हूँ साइटकिट में। ओके ये गूगल का प्लगइन है साइटकिट, इसको इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर हमारा सर्च कंसोल। और देखिए कितना जल्दी जल्दी ये काम कर रहा है। मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया तुरंत इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट पे क्लिक किया तुरंत एक्टिवेट हो गया। तो ये क्लाउड वेब होस्टिंग आपको जो मिल रहा है ना यूएसए का बहुत अच्छा है। स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे। देन नीचे आपको बटन मिलेगा देखिए साइन इन विद गूगल, और जो भी आपका एक प्राइमरी जीमेल एड्रेस है जिसके साथ आप लिंक करना चाहते हैं उसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ करता हूँ manage.tech2next@gmail.com। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। ओके देन आपको यहाँ पे अलाउ पर क्लिक करना है। देन सेटअप पे क्लिक करेंगे, गो टू माय डैशबोर्ड। ऑल राइट दोस्तों यहाँ पे आपकी वेबसाइट से गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट हो चुका है, गूगल सर्च कंसोल लिंक हो चुका है आपकी वेबसाइट से। ओके गॉट इट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेटअप गूगल एनालिटिक्स। दोस्तों ये जो मैं सारी सेटिंग्स बता रहा हूँ ना ये सारी सेटिंग्स करना जरूरी है, चाहे आप गूगल वेब स्टोरीज डालते हो या अपनी वेबसाइट पे पोस्ट डालते हो एक न्यू वेबसाइट के लिए, ये सारी चीज़ें जरूरी है। अगेन हम लोग यहाँ पे अपनी जीमेल को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट किया, अभी हम लोग गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आ गया हमारा कनेक्ट सर्विसेज अकाउंट। यहाँ पे हम लोग सेटअप न्यू अकाउंट करेंगे। यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम आ गया इंडिया टाइम, सब सही है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फिर से हम लोग को हमारा अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। देन कंटिन्यू। ऐसे यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट की जगह पे करना होगा इंडिया, और आई ऑल्सो एक्सेप्ट इस पर क्लिक करना होगा। ये भी टर्म्स आपको जो भी एनालिटिक्स के टर्म्स हैं वो एक्सेप्ट करने होंगे, तीन टिक करने पड़ते हैं, उसके बाद आई एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना है तो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके सो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पांच स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे और लिखना भूल गया, उसको मैं अभी यहीं पर ऐड कर लेता हूँ, इंटरनेशनल टारगेटिंग जिसको बोलते हैं। आप अपनी वेबसाइट को कौन सी कंट्री के लिए टारगेट करना चाहते हैं ये भी गूगल को बताना जरूरी रहता है। वैसे आप जिस कंट्री का कंटेंट डालते हो गूगल खुद ही वेरीफाई कर लेता है कि आप इस कंट्री के लिए आर्टिकल डाल रहे हो और वहाँ पे आपको रैंक कराने की कोशिश करता है, बट हम लोग पहले से ही गूगल को बता देते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसको तो पहले ओके गॉट इट करिए और यहाँ पे जाइए दोस्तों, आपको सिंपली सर्च करना है सर्च कंसोल। सर्च कंसोल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वही जीमेल सेलेक्ट करनी होगी जिससे आपने अभी साइटकिट में अकाउंट बनाया। तो मैंने ये manage.tech2next से किया था, तो मैं वो वाली जीमेल सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट प्रॉपर्टी में करके मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड्स, इस वेबसाइट की सेटिंग मुझे करनी है, इस पर क्लिक करूँगा। नीचे आप आएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए लीगेसी टूल एंड रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में, इंटरनेशनल टारगेटिंग मिलेगा यहाँ पे, और जाना है हमें यहाँ पे कंट्री में। देन यहाँ पे देखिए टारगेट यूज़र इन, इसको चेक करना है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स है तो हमें यही रखना है। कोई और कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है तो आप कर सकते हो। अगर आपका डॉट इन डोमेन है तो आप इंटरनेशनल टारगेटिंग नहीं कर पाओगे, वो डोमेन सिर्फ इंडिया के लिए ही रह जाएगा। तो उसके बाद आपको करना है सेव चेंजेस पर क्लिक। देन दोस्तों वापस हम लोग आ गए हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। ओके अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि वेब स्टोरीज प्लगइन सेटअप। वेब स्टोरीज की प्लगइन सेटअप करने के लिए यहाँ पे मैं आऊँगा प्लगइन्स में, एड न्यू पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेब स्टोरीज।
ओके, यहाँ पे मैं देता हूँ स्पेस, तो आप देखिए फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है वेब स्टोरीज का प्लगइन और बाय गूगल, ये आप नोट कर लीजिए, यही वाला इंस्टॉल करना है आपको। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया, और एक्टिवेट पर क्लिक करते ही हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया। ओके, इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि आप अपने वर्डप्रेस में लेफ्ट साइड में स्टोरीज का एक ऑप्शन आ गया है, जिसमें आपको डायरेक्ट जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों फर्स्ट जो है हमारा गूगल एनालिटिक्स, तो गूगल एनालिटिक्स हमारा ऑटोमेटिक फेच कर लिया। कहाँ से फेच किया इसने? गूगल साइटकिट, क्योंकि साइटकिट भी गूगल की प्लगइन है, तो वहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर किया था, और गूगल वेब स्टोरीज भी उसी की प्लगइन है, तो यहाँ से वो फेच कर लिया हमारा। साइटकिट का हमारे कुछ भी कोड डालने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज़ आती है दोस्तों पब्लिशर लोगो, आपको अपनी वेबसाइट का एक लोगो बनाना है, और लोगो का जो यहाँ पे साइज रहना चाहिए 96x96 पिक्सल का रहना चाहिए। तो मैं बहुत ही ईजी वे बता रहा हूँ आपको, सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पे आना है डिज़ाइन इवो, इस वेबसाइट पे चले जाना है designevo.com/logomaker, और जो भी है जैसे कि मेरा कार्स की वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कार्स। जो भी लोगो दोस्तों मुझे यहाँ से पसंद आएगा मैं एक लोगो ले लूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे ये लोगो अच्छा लग रहा है, मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। और बैकग्राउंड मुझे दोस्तों ब्लैक नहीं चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड को पहले कर लेता हूँ वाइट, और ये भी नहीं दिख रहा है तो चलिए इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। और यहाँ पर भाई जो हमारा कार का बना था वो कहाँ गया, आई थिंक ये है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ ब्लैक। ऑल राइट, ये रहा दोस्तों हमारा लोगो रेडी, तो इसको मैं पहले करता हूँ ब्लैक को रेड, आई थिंक रेड ब्लैक ज़्यादा बेटर दिख रहा है, ठीक है। और ये वाले को हम लोग कर लेते हैं रेड, और इस तरफ वाले को हम लोग कर लेते हैं ब्लैक। लोगो आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे देखो बना सकते हो, तो इसको मुझे करना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, और मुझे इसकी फॉन्ट साइज काफ़ी कम करनी होगी, तो मैं इसको करता हूँ 26, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्स, और अगेन इसको मैं करता हूँ 26। तो सो लोगो बनाने के बहुत सारे हैं, वहाँ से आप देखिए लोगो बना सकते हैं। अभी मैं ये आपको एक सिंपल सा लोगो बना के दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आप लोगो को बना सकते हैं, और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ शेप में, और यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ आउटलाइन शेप, ओके ये ले लेता हूँ मैं, इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, एंड इनको भी मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। और इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों ये सेटअप। ओके सो दोस्तों ये मेरा सिंपल सा लोगो है, और भी बहुत सारे देखो अलग अलग लोगो हैं, आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों सेट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ से अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो पिक्सल अच्छे नहीं आएंगे, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से स्निप कर लेता हूँ। लो वर्जन आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ से मैं स्निप कर लेता हूँ, मतलब एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और ये रहा मेरा स्क्रीनशॉट रेडी। और इसको मैं दोस्तों सेव कर लेता हूँ अपने एक लोगो का फोल्डर मेरा बना हुआ है, जहाँ पे मैं सारे लोगोस को ओके तो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्स अंडरस्कोर लोगो, ये मेरा लोगो दोस्तों रेडी हो गया। लेकिन इसमें भी एक इशू है कि ये 96x96 पिक्सल का नहीं है, जो कि रिकमेंड था गूगल की तरफ से, गूगल वेब स्टोरीज प्लगइन में मेंशन था। तो मैं उसको राइट क्लिक करके ओपन विथ पेंट करता हूँ, और यहाँ पे देखिए रीसाइज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ, पिक्सल में जाता हूँ, इसको मैं अनसेलेक्ट करूँगा, और 96 बाय
96 एंड देन ओके पे क्लिक करूँगा मैं और फिर सेव एस, मैं इसको करता हूँ JPEG और इसके आगे मैं लगा देता हूँ 96 और सेम फोल्डर में ये हो जाएगा सेव। ओके भाई, इसको पेंट को करते हैं क्लोज, वापस आते हैं दोस्तों यहाँ पे, इनको हटाते हैं अब और यहाँ पे जहाँ लोगों में अपलोड करना था तो हम लोग अपनी उसी फोल्डर में जाना पड़ेगा और ये रहा हमारा 96 वाला, इसको मैं करता हूँ ओपन और देखना कि बिल्कुल फिट, देखिए एकदम सही साइज़ का हमारा लोगो जो है वो आ गया है। और यहाँ पे आपको और कुछ भी नहीं करना है, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखता है वेब स्टोरीज तो उसको ऑन रहने दें और कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं। नीचे आना है आपको मोनेटाइजेशन में, गूगल एडसेंस को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको दो चीज़ें डालनी होंगी, पब्लिशर आईडी और यहाँ पे डालनी होगी आपको एक स्लॉट आईडी। तो सो अभी क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ये वेबसाइट electronicscar.com ये अप्रूव तो नहीं है, बट एक आइडिया के लिए मैं आपको एक एडसेंस अकाउंट दिखा देता हूँ कोई, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि पब्लिशर आईडी कौन सी है और स्लॉट आईडी कौन सी है और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखो काफ़ी सारे मेरे वेबसाइट्स हैं जो मैं फ्लिपिंग ट्रेडर्स पे सोल्ड आउट करता हूँ, आप भी उसी तरीके से सेल कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए मैं एड्स में आता हूँ और बाय एड यूनिट में जाता हूँ और जो मेरी एड यूनिट है, आप एक काम कर सकते हो, एक नया एड यूनिट बना लो वेब स्टोरीज़ के नाम से। वेब स्टोरीज़ के नाम से मैंने एक नया वेब बना लिया। अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस अप्रूव हो जाती है तब आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है या ऑलरेडी अप्रूव है तब। यहाँ पे देखिए सी आईडी हम लोग को ये मिलती है, इसको करना है आपको कॉपी, यहाँ पे आना है दोस्तों और ये सी आईडी में डाल देना है, देन अगेन आपको यहाँ आना है और ये स्लॉट आईडी इसको आपको कॉपी करके और यहाँ डाल देना है, दोनों को दोस्तों सेव कर देना है। अभी तो मैं सेव करूँगा तो एड्स आएंगे नहीं क्योंकि ये अप्रूव तो है नहीं। चलिए ठीक है, बस इतनी सी सेटिंग दोस्तों आपको करनी है गूगल वेब स्टोरीज़ में और कुछ भी नहीं करना है, वेब स्टोरीज आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों हम लोग करते हैं रैंक मैथ का सेटअप, तो उसके लिए अगेन मेरे को आना होगा वेबसाइट पे, प्लगइन्स, ऐड न्यू और मुझे यहाँ सर्च करना होगा रैंक मैथ और ये रैंक मैथ की प्लगइन को मैं इंस्टॉल करता हूँ। और एक चीज़ मुझे और चाहिए होगी इंस्टेंट इंडेक्सिंग। दोस्तों प्लगइन देखिए कितनी स्पीड से इंस्टॉल हो रही है, इससे समझ में आता है क्लाउड होस्टिंग की परफॉर्मेंस और यूएसए के सर्वर बहुत अच्छे रहते हैं भाई। तो ये दूसरी प्लगइन है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, ये दोनों को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ओके एक्टिवेट भी कर लेते हैं इसको और एक और प्लगइन जो थी हमारी ये रैंक मैथ, इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके यहाँ पे दोस्तों देखो रैंक मैथ को पहले हम लोग सेटअप कर रहे हैं, इंस्टेंट इंडेक्सिंग को नहीं, ये बात का आप ध्यान रखें। कनेक्ट योर अकाउंट पर क्लिक करना है एंड गाइज इसको आपको प्रीमियम वर्जन ना भी लेते हो चलेगा, ये फ्री वर्जन रैंक मैथ का प्रॉपर काम करेगा। यहाँ पे आपको गूगल सेलेक्ट करना है और वही जीमेल आपको फिर से उससे आपको कनेक्ट कर देना है। तो मैंने अपना ये मैनेज डॉट टेक टू नेक्स्ट वाला अकाउंट सेलेक्ट किया और ओके एक्टिवेट नाउ पे, फ्री प्लान एक्टिवेट यहाँ पे हो रहा है उसको मैं क्लिक करता हूँ ओके एक्टिवेट नाउ। देन दोस्तों यहाँ पे आपको एडवांस वगैरह में नहीं जाना है, बिल्कुल आप आराम से ईजी में जाइए और स्टार्ट विजिट पे क्लिक करिए। आपका क्या है, एक पर्सनल ब्लॉग है या फिर जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, मेरा एक पर्सनल ब्लॉग है मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। ओके और लोगो दोस्तों अगर कोई लोगो है तो वो आप डाल सकते हो, तो जो लोगो जो हमने बनाया था वही मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, यूज़ दिस फाइल। ओके और डिफ़ॉल्ट सोशल मीडिया इमेज में भी मैं वही लोगो डाल देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। देन दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट गूगल सर्विसेज है, इस स्टेप को अगर आप करना चाहो, चलिए गूगल सर्विसेज को भी यहाँ पे कनेक्ट कर ही देते हैं। तो फिर से हम लोग अपने अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और ये एक्सेस हम लोग रैंक मैथ को देंगे और कंटिन्यू करेंगे। इस स्टेप के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कार अपनी वेबसाइट सेलेक्ट करूँगा और अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार ऑल वेबसाइट डेटा, ठीक है एडसेंस वगैरह का मैं कुछ नहीं करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। ओके योर साइट इज़ रेडी दिखा रहा है, रिटर्न टू डैशबोर्ड। वापस हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ गए।
अब दोस्तों देखिए, रैंक मैप का भी सेटअप हमने कर लिया, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइट मैप सबमिशन। तो साइट मैप सबमिशन के लिए यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे हम लोग, तो ये देखिए साइट मैप मिलेगा जो कि इनेबल है। अगर आपका इनेबल ना दिखाए तो इसको आप इनेबल कर लेना। यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, या फिर यहाँ से भी आप जा सकते हो साइट मैप सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो फर्स्ट हमारा मेन वेबसाइट का जो साइट मैप है इस पर क्लिक करते हैं। ये एक साइट मैप हो गया हमारा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे पोस्ट पे आएंगे और इस साइट मैप पे क्लिक करेंगे, ये हमारा दूसरा साइट मैप हो गया। थर्ड हम लोग स्टोरीज पे आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा थर्ड साइट मैप, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है अभी। क्या करना है, इंक्लूड इन साइट मैप को इनेबल करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, देन अगेन हम लोग इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए साइट मैप रेडी है। बस दोस्तों ये तीनों साइट मैप जनरेट करने के बाद आपको आना है सर्च कंसोल में और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा साइट मैप का। एक चीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं बहुत ही मेहनत से ये सारी चीज़ें रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही कम लोग, भाई सिर्फ 3% लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, बाकी लोग 97% सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख लेते हो। भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो लाइक करते हो तो और मोटिवेशन आएगा मुझे इस तरीके के अच्छे कॉन्टेंट बनाने की, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताया करो भाई कि कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हो, तो मैं जितनी नॉलेज हो सकती है, जितना रिसर्च हो सकता है करके मैं और वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली लाऊंगा। अभी देखिए हमें आपके साइट मैप सबमिट करने, तो तीन साइट मैप जनरेट किए थे, फर्स्ट को कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इतनी URL को हम लोग रिमूव कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये URL है हमारी वेबसाइट की, तो यहाँ पे हम लोग इतना रिमूव कर देते हैं और सबमिट करते हैं। कुड नॉट फेस दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, दूसरे लिंक को ट्राई करते हैं। ओके देखिए दोनों सक्सेस हो गए, पहले वाला भी और दूसरा भी। थर्ड हमारा जो साइट मैप है वो ये है स्टोरीज का, इसको सबमिट करते हैं। कुड नॉट फेच बता रहे हैं, फिर से सबमिट करते हैं। ओके देखिए गाइस तीनों सक्सेस हो गए हमारे। इस तरीके से सिंपली आपको सेटअप करने हैं। साइट मैप करने से आपका दोस्तों फायदा ये होता है कि आपको एक एक लिंक आके अब आपको गूगल को नहीं बताना है, गूगल अपने आप आपके साइट मैप से देखता है और आपकी वेबसाइट की जो पोस्ट हैं आर्टिकल है वो इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। काफ़ी लोग यही मेन जो सेटिंग है ना उसको मिस कर देते हैं और बाद में उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ पाता है। ये चीज़ें होने के बाद दोस्तों सारी चीज़ें मैं क्लोज करता हूँ, हमारा साइट मैप सबमिशन भी हो गया। इसके बाद आता है इंस्टेंट इंडेक्सिंग सेटअप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। ये अगर आप दोस्तों नहीं करते हो तो ट्रैफिक हो सकता है आपको ना मिले या बहुत कम मिले, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट की जो लिंक्स हैं, जो पोस्ट हैं, जो वेब स्टोरीज़ हैं, उनको हम इंस्टेंट इंडेक्स करने के लिए, यहाँ पे आप देखिए इंस्पेक्ट एनी URL ऊपर में दिख रहा है ना, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं गूगल को कि हमारी वेबसाइट की लिंक को रैंक कराया जाए, यहाँ पे हम लोग अपनी लिंक सबमिट करते हैं। ये काम हम लोग एक एक लिंक का अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, वो हमारा ऑटोमेशन पे हो जाता है इंस्टेंट इंडेक्सिंग सेटअप की मदद से। तो ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी प्लगइन रैंक मैथ की तरफ से आती है जो हमने इंस्टॉल की थी, और आप देखिए रैंक मैथ के ही अंदर ही ये फीचर मिल जाता है, तो थैंक्स टू रैंक मैथ कि हमें फ्री में इतने सारे फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे क्लिक करेंगे और अभी देखिए मैं यहाँ सेंड टू API करूँगा, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेस दिखा रहा है। गूगल API सेटिंग्स पे आते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ, चलिए मैं इसका पहले तो आपको एक सेटअप बता देता हूँ इंस्टेंट इंडेक्सिंग। मुझे दोस्तों ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये ऑटोमेटिक अभी इंडेक्स दिखा रहा है, कुछ इसके सेटिंग करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे अभी ये ऑटोमेटिकली सक्सेस ही दिखा रहा है। तो चलिए पहले मैं तो आपको सेटिंग्स बता देता हूँ कि किस तरीके से सेटिंग करनी है। यहाँ पे आपको सिंपली आना है, गूगल API सर्च करने है, और एक चीज़ मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एक पोस्ट पे चले जाता हूँ और ये जो पोस्ट है इसकी लिंक को कॉपी करता हूँ और रैंक मैथ में जाता हूँ, इंस्टेंट इंडेक्सिंग में जाता हूँ और इस पोस्ट की URL को मैं डाल के सेंड टू API करता हूँ। सक्सेस, ग्रेट, या ऑटोमेशन पे अभी ये चलिए सेटिंग तो हो गई है। ठीक है, मैं आपको मैनुअल सेटिंग बता देता हूँ कैसे करनी है। गूगल API दोस्तों आपको सर्च करना है, अगर आप यहाँ आपका सक्सेस नहीं आया ना तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। गूगल API दोस्तों आपके यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे गूगल API में चले जाना है, फर्स्ट लिंक पे जाएंगे, कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा।
इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मेरी लिमिट इसमें क्रॉस हो चुकी है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। तो चलिए मैं एक दूसरे जीमेल में देखता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्स, जो मेरी वेबसाइट का नाम है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देयर वाज एरर। चलिए दोस्तों इसमें भी कुछ एरर आ रहा है, रीट्राई करते हैं एक बार। यू डू नॉट हैव सफिशिएंट परमिशन। ओके, रीट्राई करेंगे, शायद हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो दोस्तों शायद मुझे ये किसी और जीमेल से करना पड़ेगा। चलिए मैं एक और दूसरे जीमेल से ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल API। तो ये स्टार्टिंग अप करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ये एक नया अकाउंट से मैं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स। स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, उसको रहने देते हैं दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आना होगा, IAM Admin एंड देन सर्विस अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों क्रिएट सर्विस अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप, और सर्विस अकाउंट का नेम आप कुछ भी देख सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे मैं अगेन दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कार्स। ओके, और यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर इंस्टेंट इंडेक्सिंग, मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप कुछ डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एक डिस्क्रिप्शन देना है शॉर्ट सा। यहाँ पे जो एक ईमेल एड्रेस जनरेट हो रहा है इसको आपको मेक श्योर कॉपी कर लेना है। क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेलेक्ट रोल में दोस्तों यहाँ पे आपको जाना होगा भाई कहाँ है ओनर में, एंड यहाँ पे आपको करना होगा दोस्तों कंटिन्यू, और यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ 3 डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको जाना होगा मैनेज कीज़ में। मैनेज कीज़ में जाने के बाद दोस्तों क्रिएट न्यू की पे क्लिक करेंगे और जेसन फाइल यहाँ से आपको क्रिएट करनी है। और ये फाइल देखिए डाउनलोड हो गई। ये फाइल जो डाउनलोड हुई, हम लोग आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे गूगल API सेटिंग्स में जाएंगे और इस जेसन फाइल को यहाँ पे हमें करना होगा अपलोड। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये फाइल हमारी अपलोड हो गई। पोस्ट पेजेस जो जो आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे कराने हैं वो आप टिक कर लेंगे। तो मैं पोस्ट और स्टोरीज कर लेता हूँ और सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। लेकिन अभी हमारा दोस्तों यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ है, हमें जाना होगा सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल, अभी देखिए मैंने इंस्टेंट इंडेक्सिंग API दूसरे जीमेल से क्रिएट की है, लेकिन सर्च कंसोल हमें वही लेना होगा जिससे हमें स्टार्टिंग में कनेक्ट किया था हमने अपनी वेबसाइट से, वही वाला सर्च कंसोल। तो ये है हमारा सर्च कंसोल इलेक्ट्रॉनिक्स कार का। और यहाँ पे मैं आता हूँ दोस्तों सेटिंग्स में और ओनरशिप में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ दोस्तों यू आर अ वेरीफाइड ओनर दिखा रहा है। यहाँ पे हमें एक्चुअली ऐड करना है, फिर से आता हूँ मैं। ओके दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग आते हैं सेटिंग में, यूज़र एंड परमिशन में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड यूज़र का। ओके, सेटिंग्स में आए हम, देन हम लोग यहाँ पे आएंगे ओनरशिप में, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन वैसे मिल जाता है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पे देखिए रन मोर पर क्लिक करता हूँ, मैनेज यूज़र एंड परमिशन पर जाता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट अ प्रॉपर्टी आ रहा है, तो मुझे वही जीमेल लेना पड़ेगा।
एंड देन मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ, ऐड यूज़र पे क्लिक करके वो जो जीमेल हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे एक्सेस कर देंगे ओनर का। अभी वेट करते हैं दोस्तों ऐड होने का। तो देखिए ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। वापस दोस्तों हम लोग को आना होगा अपने यहाँ पर और यहाँ पे दोस्तों हमारी सारी सेटिंग्स हो जाती हैं। हमें एक चीज़ यहाँ से एक API इनेबल करनी होगी जिसका नाम है इंडेक्सिंग आई थिंक ऐसा कुछ। मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे इंडेक्सिंग, ये रहा दोस्तों नीचे मार्केट प्लेस में इंडेक्सिंग API दिख रहा है आपको, इसको दोस्तों आपको कर लेना है इनेबल। सो गाइस ये बस इनेबल हो जाएगा और उसके बाद हमारी सेटिंग सारी डन है। ओके दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपनी वेबसाइट पे आते हैं और ये जो इंस्टेंट इंडेक्सिंग का सारा सेटअप है, अभी हमारी जो भी पोस्ट डलेंगी वेब स्टोरीज डलेंगी वो गूगल के पास इंस्टेंटली जब हम लोग डालेंगे एक नोटिफिकेशन जाएगा भाई कि हमारी जो वेबसाइट पोस्ट है या वेब स्टोरी है उसको इंडेक्स करो। मैन्युअली भी इस काम को किया जा सकता है दोस्तों, एक एक डालनी पड़ती है लिंक, हमको यहाँ पे आके इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए सबमिट करनी पड़ती है, लेकिन अभी ये हमारा काम ऑटोमेशन पे होगा और कुछ हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ओके अभी हमारी दोस्तों वेबसाइट प्रॉपर रेडी है वेब स्टोरीज डालने के लिए या फिर पोस्ट डालने के लिए, सारी सेटिंग्स जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारा लास्ट स्टेप बचता है दोस्तों, वो है क्रिएट वेब स्टोरीज एंड मेक मनी विथ एडसेंस। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अगर आपको वेब स्टोरीज़ बनवानी हो या फिर आप हमारे साथ मिलके अपनी वेबसाइट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग करो, अभी हमने उसका नेम चेंज कर दिया है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप मेरी टीम का भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको किसी भी तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करवानी हो, वेब स्टोरीज़ बनवानी हो, उन सब के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गूगल एडसेंस से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए हो, पिन वेरीफिकेशन कराना हो, इन सब चीज़ों के लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ब्लॉगिंग करो के भी बारे में पूछ सकते हो, जहाँ पे हम लोग आपके साथ पार्टनरशिप में एक वेबसाइट स्टार्ट करते हैं और उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बहुत बेस्ट हम लोग उसमें आपको सपोर्ट प्रोवाइड करके वेबसाइट को ग्रो कराते हैं, तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों वापस आते हैं वेबसाइट में। लास्ट स्टेप है हमारा क्रिएट वेब स्टोरीज। यहाँ पर आएंगे, सिंपली हम लोग आएंगे स्टोरीज में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। और अब बात आती है टॉपिक की कि वेब स्टोरीज़ के लिए हम लोग टॉपिक कहाँ से लें। बहुत लोग पूछते हैं भाई कि टॉपिक कहाँ से लें, इमेजेस में कॉपीराइट आएगा ये वो, तो उन सभी चीज़ों का दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले कि टॉपिक कहाँ से लें, तो हम लोग सर्च के साथ सीधा चले जाते हैं दोस्तों गूगल ट्रेंड्स में। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि गूगल ट्रेंड्स में चले गए हम, और जो भी हमारी कंट्री है पहले तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे ट्रेंडिंग सर्चेस में, और यहाँ से हम लोग कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। जिस भी कंट्री को आप टारगेट करो वो कंट्री आपको मेक श्योर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन रियल टाइम सर्चेस में जाके आप अपनी कैटेगरीज, जो भी कैटेगरी दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हम कैटेगरी कौन सी लें, भाई यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी ले लो, वेब स्टोरीज़ के लिए मैटर नहीं करता। आपकी वेबसाइट अगर किसी दूसरे निश पे है, ये भी बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि दूसरे निश पे अगर वेबसाइट है और हम लोग क्या उस जो दूसरे निश पे बना सकते हैं, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो भाई देखो ऐसा है कि बना आप ज़रूर सकते हो, बट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जो है उस पर बनाओ, सेम निश पे बनाते हो तो ज़्यादा प्रॉफिट है। बट स्टिल गूगल वेब स्टोरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट जो है मैं बोलूँगा कि एंटरटेनमेंट की और साइंस टेक की आप वेब स्टोरीज़ बना सकते हो तो भी ओके है, बना सकते हो आप वेब स्टोरीज़, प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ। बट रैंकिंग आपकी हो सकती है कि एंटरटेनमेंट की वेबसाइट है तो एंटरटेनमेंट वाली वेब स्टोरीज़ डालो तो ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले। सिंपली दोस्तों देखो यहाँ पे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पे आप क्रिएट कर सकते हो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके। फॉर एग्जांपल मुझे एंटरटेनमेंट पे करना है तो ये जो रीसेंट ट्रेंड में चल रहा है ये मुझे मिल रहा है। सेकंड दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, जा सकता हूँ मैं गूगल न्यूज़ पर और यहाँ से भी दोस्तों देखिए मैं लेटेस्ट जो न्यूज़ वाले टॉपिक्स हैं वो ले सकता हूँ। यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे जो हैं चीज़ें मिल जाती हैं। और देखिए यहाँ पर अभी है इंडिया, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और अलग अलग कैटेगरीज़ में आपको जाना है तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। थर्ड जो स्टेप है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल मुझे एंटरटेनमेंट पे वेब स्टोरीज़ बनानी है तो मैं क्या सर्च करूँगा, एंटरटेनमेंट न्यूज़ USA इस तरीके का मैं सर्च करूँगा और मैं सेटिंग्स में आके
सी ऑल सेटिंग में क्लिक करूँगा और अपनी जो सर्च सेटिंग है उसको मैं यूएस से कर लूँगा। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया है, लेकिन अभी मैं यूएस के रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं उसको यूनाइटेड स्टेट करके सेव कर लूँगा, ओके करूँगा। अभी जो भी रिजल्ट्स है मुझे यूएस के दिखाएंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी यूएस कीवर्ड यूज़ कर लिया था तो यूएस के दिखा था, बट इससे और ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट मुझे मिलेंगे अगर मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट न्यूज़ भी सर्च करता हूँ अब, तो मुझे यूएस के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, देखिए ठीक है। बट स्टिल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एंटरटेनमेंट न्यूज़ यूएसए। जो भी दोस्तों ये वेबसाइट आ रही हैं, इनको आप यहाँ से कॉन्टेंट ले सकते हो। अगर आपका स्पोर्ट्स है तो आप यहाँ पे स्पोर्ट्स लिख लो, ओके, तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप ले सकते हो। ये देखो बिजनेस है तो बिजनेस कर लो, जो भी आपका है दोस्तों उस हिसाब से आप जो हैं आर्टिकल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला जो आर्टिकल है वो लेना है, इसके ऊपर मुझे वेब स्टोरी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दोस्तों हम लोग आएंगे यहाँ ऐड न्यू स्टोरी हमने कर लिया था, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार कि टेम्पलेट्स कौन से अवेलेबल हैं। ये पेस्ट टेम्पलेट, और जो भी एक टेम्पलेट दोस्तों आपको पसंद हो ना वो आप सेलेक्ट कर सकते हो वेब स्टोरीज़ के लिए। तो मैं बोलूँगा कि एकदम क्लियर सा अगर आप पिक लेते हो ना तो वही ज़्यादा बेटर है। तो मुझे ये एक अच्छा दिख रहा है, एक इमेज है और नीचे कुछ टेक्स्ट है, क्लियर सा है दोस्तों, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये दो पेजेस हो गए, फर्स्ट वाला मेरा ब्लैंक है तो मैं फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करके पहले डिलीट कर दूंगा, और ये हमारा सेकेंड। ऑल राइट, इसको दोस्तों मुझे ये परफेक्ट लग रहा है, इसको मैं डिज़ाइन करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। ये लर्न मोर का जो बटन है इसको डिलीट कर देता हूँ, और ये जो गेटिंग स्टार्टेड है इसको भी डिलीट करता हूँ। इसको हम लोग ले आते हैं नीचे, और इस टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ कम, और ये जो टेक्स्ट की साइज़ है इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 30 कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका टेम्पलेट रेडी है। आप ये कर सकते हो कि इस टेम्पलेट को सेव करके रख सकते हो ताकि बार बार आपको टेम्पलेट डिज़ाइन ना करना पड़े। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा पेज टेम्पलेट, सेव करेंट टेम्पलेट, सेव करेंट पेजेस टेम्पलेट, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी जो हमारा ये सेव अनेबल टू सेव आ रहे हैं यहाँ पे, हो सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ टेम्परेरी इशू हो। एक्चुअली मेरा यहाँ पे इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया है, मैं फिर से इसको कनेक्ट करता हूँ। ओके, सेव करेंट पेजेस टेम्पलेट पे मैं अगेन क्लिक करता हूँ। आई थिंक गाइस मुझे एक बार रिफ्रेश करना होगा। ये एक्चुअली इंटरनेट का इशू है इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके सो गाइस यहाँ पे इंटरनेट जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। आप देखिए कि गूगल ट्रेंड्स भी रिफ्रेश नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वेब होस्टिंग का इशू है, गूगल ट्रेंड्स भी रिफ्रेश नहीं हो पा रहे। तो एक काम करता हूँ मैं कि इसको अपने मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से, और आपको मैं बता देता हूँ कैसे इस पर काम करने। सो गाइस ये अभी मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। ओके, अगेन मुझे आना होगा पेज टेम्पलेट्स में, और मुझे वो टेम्पलेट फिर से लेना होगा। सो गाइस ये जो टेम्पलेट मैंने लिया था, अगेन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और जो फर्स्ट पेज है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और जो मैंने सेटअप किया था वो मैं फिर से कर देता हूँ। ये एरो को हटा देता हूँ, मैं गेटिंग स्टार्टेड को हटा देता हूँ, टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ इसमें कम, और टेक्स्ट की साइज़ को मैं कर लेता हूँ 30। ऑल राइट,
और इसको मैं लाता हूँ दोस्तों नीचे यहाँ पे, एंड देन टेक्स्ट हमें थोड़ा और करना होगा कम ताकि वो प्रॉपर फिट आ सके। तो कुछ इस तरीके का हमारा रहेगा, और ये इमेज को मैं लेता हूँ इतना ताकि प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब दोस्तों हम लोग वेब स्टोरी बना सकते हैं, और इसको मैं सेव करेंट पेजेस टेम्पलेट पे क्लिक करके, इसको देखिए अभी टेम्पलेट सेव हो गया। अभी बार बार मुझे ये चीज़ें चेंज नहीं करनी होगी, जब भी मुझे वेब स्टोरी बनानी होगी मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से इम्पोर्ट कर पाऊँगा। तो चलिए अब दोस्तों बात आती है कि मुझे ये वाला लेना है, इस पर मुझे बनानी है। तो पहले तो मैं दोस्तों टाइटल ले लूँगा, देखिए जेनिफर लोपेज एंड बेन एफ्लेक गेट मैरिड, तो मैं इतना सा ले सकता हूँ, अगेन तक ले लेता हूँ। सो इसको आप और कैची बना सकते हो अपने हिसाब से टाइटल वगैरह को, और फर्स्ट स्लाइड में तो मैं दोस्तों यही डाल दूँगा, और टेक्स्ट अभी छोटा है तो इसको हम लोग क्योंकि कम टेक्स्ट लिया है हमने, तो मैं इसको करके देखता हूँ 50, तो ये हो गया आई थिंक ज़्यादा बड़ा, तो मैं इसको करके देखता हूँ 40, और ये परफेक्ट है। अब दोस्तों बात आती है इमेजेस की, तो इमेजेस देखिए आप गूगल से लीजिए या फिर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह से ले सकते हो। कॉपीराइट की जहाँ तक बात है तो बहुत ही कम चांसेस है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपीराइट आएगा ही नहीं, इनफैक्ट मुझे अभी तक एक भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया वेब स्टोरीज़ पे काम करते हुए, क्योंकि दोस्तों वेब स्टोरीज़ देखो एक इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह है, क्योंकि एक बड़ा कॉन्टेंट तो हम लोग बना रही नहीं रहे हैं, तो वेब स्टोरीज़ पर बहुत कम चांसेज हैं कि कुछ हम लोग को प्रॉब्लम जो है आए। तो अब इस तरीके से आपको यहाँ से 2-3-4 इमेजेस जो भी है वो सेव कर लेनी है, इंस्टाग्राम से भी आप ले सकते हो, और अगर आपको क्रेडिट देना हो तो आप अपनी हर स्टोरी के नीचे क्रेडिट दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि और आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप फिर ज़्यादा इमेजेस यूज़ ही मत करो, एक ही इमेज को यूज़ करो, और या तो फिर आप मल्टीपल इमेजेस अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो या एक इमेज, लेकिन मल्टीपल अलग अलग इमेज थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो हमारा यूज़र ज़्यादा देर तक हो सकता है उस पर रहे। अभी देखिए इमेज रिप्लेस मीडिया पे मैं क्लिक करता हूँ, अपलोड करूँगा, और जो इमेजेस मैंने डाउनलोड की थी वो भाई वो किसके अंदर चले गई, जो इमेजेस अभी मैंने डाउनलोड की एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पर सेव हो गई, वो तो वो डाउनलोड्स के अंदर वेब टू फोल्डर के अंदर जो है सेव हुई है। तो ये डाउनलोड और ये वेब टू, और ये मैं ले लेता हूँ इमेज, और रिप्लेस मीडिया पे क्लिक करेंगे, और देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है, और इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो देखो हमारी फर्स्ट स्लाइड जो है रेडी है, इसी तरीके से मैं डुप्लीकेट पेज करके सेकंड स्लाइड बना सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से ऐड करके देखिए ये मेरी सेकंड स्लाइड। अगेन हम लोग सिमिलरली इमेज चेंज करेंगे और टेक्स्ट चेंज करेंगे। अब टेक्स्ट के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी टेक्स्ट आप यहाँ से ज़्यादा मत लीजिए, वेब स्टोरीज हमें एक शॉर्ट ही रखनी है, तो मैं देखिए इतना सा टेक्स्ट लेता हूँ, और यहाँ पे मैं गूगल में सर्च करता हूँ कॉन्टेंट स्पिनर, और ये स्पिन बोट आ गया, या कोई भी कॉन्टेंट स्पिनर आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप पेस्ट करिए, और ये मुझे पज़ल सॉल्व करना होगा भाई। सो गाइस आप देखिए हमारा कंटेंट थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेब स्टोरीज में, कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। अब देखिए आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है ये कंटेंट लेके हर स्लाइड में ऐड करते जाना है। फॉर एग्जांपल ये मेरी सेकेंड स्लाइड है, तो मैं इस सेकेंड स्लाइड में इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ये मैंने पेस्ट कर दिया, एंड देन इस इमेज को मैं रिप्लेस करके आप अलग अलग इमेज या एक इमेज यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है क्योंकि मैंने मोबाइल डेटा से अभी कनेक्ट किया हुआ है, और फिर से हम लोग डबल क्लिक करके इस इमेज को ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से आपको लगभग 8-10 स्लाइड बनानी है, मिनिमम आपको 8 बनानी है, और 8 बहुत ही बेस्ट है। अगर आप 8 स्लाइड बनाते हो किसी भी स्टोरीज़ के, आप देखेंगे तो वो बहुत लोग 8 ही स्लाइड बनाते हैं, तो आपको 8-10 स्लाइड बनानी है। ये इतनी स्लाइड बनाएंगे तो ऐड ज़रूर आ जाएगा आपकी एक स्लाइड में, तो 8 स्लाइड बनाएंगे तो ज़रूर एक ऐड आ जाएगा, और अगर 12-13-15 बनाते हैं तो 2 ऐड्स आएंगे। इस दोस्तों देखिए अभी मैं जल्दी करने के लिए अभी यहाँ से सिर्फ ऐड कर देता हूँ, ये मैंने कर ली 7 और ये एक 8।
आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक एक स्लाइड में कंटेंट डालना है, ये जो कंटेंट है यहाँ से कॉपी करके आप डाल सकते हो। जब आपकी दोस्तों वेब स्टोरी कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन है पब्लिश का, पब्लिश पे क्लिक करना है, टाइटल डालना है, तो टाइटल मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था ये हम लोग टाइटल ले लेंगे यहाँ से, और पोस्टर इमेज हो गई हमारी जो मेन इमेज है वो ले लेते हैं, सेट एज पोस्टर इमेज, और क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे और ये सेट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन तो जो स्पिन बोर्ड में ये आपने लिया था उसी में से दोस्तों थोड़ा सा बस लेना है, दो लाइन का, एक दो लाइन का, वो आपको डाल देना है डिस्क्रिप्शन में। विजिबिलिटी पब्लिक रखनी हमने, परमालिंक जनरेट हो गई, यहाँ से हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। 7 सेकेंड्स एक स्लाइड का जो है ठीक है भाई ये भी, और तो मैं कुछ नहीं करता, तो यहाँ से हम लोग करते हैं पब्लिश। इसमें दोस्तों अगर आप एनिमेशन ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस हैं एनिमेशन वगैरह के, लेकिन मैं अभी इसमें एनिमेशन ऐड नहीं करता। ओके सो यहाँ पे मैं करता हूँ डिसमिस। ओके आई थिंक ये हमारी जो है पब्लिश हो गई स्टोरी, मैं आपको एक बार व्यू करके दिखाता हूँ। सो गाइस ये प्रीव्यू है, अलग अलग में हम अलग अलग डिवाइस में हमारी वेब स्टोरी कैसे दिखेंगी। मैं एक बार इस पे टैब को डुप्लीकेट करता हूँ एंड देन यहाँ मैं आता हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। और यहाँ पे दोस्तों आता हूँ मैं स्टोरीज में, देख दोस्तों ये लोड ले रहा है स्टोरीज, ऑल स्टोरीज, और आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी वेब स्टोरी है वो पब्लिश हो चुकी है। और ओपन लिंक इन न्यू टैब अगर मैं करूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके की जो हमारी है वेब स्टोरी दिखती है। इमेज की क्वालिटी दोस्तों इसलिए कम हो गई क्योंकि हमारा वीडियो ऑप्टिमाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने ऑन करके रखा है, अगर आप इसको ऑफ करते हो तो वो क्वालिटी आ जाएगी इमेज की, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है गूगल ऑन रखता है, तो मैं भी दोस्तों यहाँ पर अभी ऑन ही रखता हूँ। यहाँ पर देखिए सेटिंग्स में जाएंगे, इमेज आप कोशिश करना थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लेना ताकि कंप्रेस, गूगल दोस्तों यहाँ पे देखिए कंप्रेस कर देता है इसको, तो अगर आप अगर चाहते हो कि अच्छी क्वालिटी दिखे तो आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऑफ़ करने के बाद डालते हो तो ये जो है कंप्रेस नहीं करेगा और इमेज की क्वालिटी अच्छी आएगी और आपका ऐड आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये कंप्लीट हमारी वेब स्टोरी जो है बन के रेडी है, और ये जो वेबसाइट electronicscar.com दोस्तों देखिए कितना अच्छा डोमेन है, इसको भी मैं लिस्ट करने वाला हूँ सेल के लिए, तो एनीवन इज़ इंटरेस्टेड वो flippingtraders.com पे चेक कर सकते हैं या मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बस दोस्तों आई होप कि आपको पूरा डिटेल वीडियो समझ में आ गया होगा। एक चीज़ शायद लोगों को डाउट होगी कि क्रेडिट कैसे दें, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। फिर से मैं एक स्टोरी में क्लिक करता हूँ और अभी देखिए मैं यहाँ पेस्ट टेम्पलेट पे आऊँगा, सेव टेम्पलेट से डायरेक्ट मैं क्लिक करूँगा और मेरा टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएगा। फर्स्ट पेज जो है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ और मेरा टेम्पलेट जो है वो बिल्कुल रेडी है। ओके सो गाइस अगर मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि एक टेक्स्ट ले सकता हूँ, टाइटल 3 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए, और इसको दोस्तों मैं कर लेता हूँ कलर लाइक वाइट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोर्स, तो ये तब काम आएगा दोस्तों जब आप सोशल मीडिया से लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम से ली इमेज तो सोर्स करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, और मैं इसको एक लाइन में कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि नीचे मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, मुझे कलर इसका ब्लैक करना होगा ताकि ये विजिबल हो। तो देखेंगे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो न्यूज़ वेबसाइट हैं वो भी ऐसी करती हैं कि इंस्टाग्राम वगैरह से ले लेती हैं पिक्चर्स, तो बेटर यही होगा कि अगर आप गूगल की जगह इंस्टाग्राम से लेते हो या फेसबुक से पिक्चर्स लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, वहाँ से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और सोर्स में आप ऐसा मेंशन कर देना इंस्टाग्राम फेसबुक, या फिर आप एक काम करो सीधा सोशल मीडिया लिख दो भाई, तामझाम ही ख़त्म। ये
तो दोस्तों इससे बस इतना ही क्लियर हो जाता है कि हम जो भी हम जिसकी भी हम लोग इमेजेस ले रहे हैं उसको ये लगता है कि हम उसको भाई क्रेडिट तो दे रहे हैं, हम क्लियरली बता रहे हैं कि हमने यहाँ से इमेज ली हुई है। बाकी सेम है वैसे ही आपको पब्लिश करना है। गूगल एडसेंस अगर अप्रूव रहता तो अभी एडसेंस की एड भी दिखती है आपको, लेकिन अभी एड नहीं दिख रही है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो, जो मुझे आंसर पता होंगे मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी कमेंट करके बताओ। और वेबसाइट बाय करना चाहते हो तो भाई flippingtraders.com पे जाओ, और अपनी वेबसाइट अगर बनवाना चाहते हो वेब स्टोरी वाली जो मैंने आज कंप्लीट बताई, तो digitaldirections.com पे जाके बना सकते हो। दोनों की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। और बस दोस्तों चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।